हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने उस दिन अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी purple.com की। तो मैंने कुछ लिपस्टिक के सेट्स मंगाए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों के साथ अपने ऑटो पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ मेरे ऑटो पे कैसे लग रहे हैं ये कलर। तो चलिए दिखाते हैं। एक ये है, ये मैंने ऑटो पे अप्लाई कर रखा है। ये सेट्स नंबर है 10, कुछ इस तरीके का दिखता है। एक ये है सेट्स नंबर 14 है। तो ये मैं अपने ऑटो पे आपको लगा के दिखाऊंगी। एक ये है, इसका मैंने सेट्स नंबर आपको बता दिया है, 14 है, कुछ इस तरीके का दिखता है। एक ये है 1 नंबर, इसको भी मैं अपने ऑटो पे अप्लाई करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये है कुछ इस तरीके का दिखता है। एक ये है, ये 11 नंबर है, इसको भी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा है, पर मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी अपने ऑटो पे। ये है इस तरीके का दिखता है। ये न्यूड कलर है। एक ये है, ये है 38 नंबर, तो इसको भी मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये है, ये इस कलर का है, लगाने के बाद इस तरीके का दिखता है। एक ये है 18 नंबर, इसको भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये है कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये कलर मेरे कैसे लगे आप लोगों को लिपस्टिक के सेट्स, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैंने होली से पहले ये क्या बना लिया था, तो मैंने गुजिया बना ली थी। इसका मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, तो उसका खाने का मकेन खाने का मन था, तो उसने कहा मम्मा मुझे मकेन खाने हैं, तो मुझे मकेन फ्राई कर दो। तो मैंने चलो उसके लिए थोड़े से मकेन फ्राई कर दिए। और मकेन बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उसमें फ्राई करके उस पर चाट मसाला डाल के खाओ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगते हैं। बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा ही पसंद होती हैं। और मेरा पूरा दिन किचन में ही चला गया था। फिर मैंने इसके लिए मकेन बनाए और थोड़े से चावल रखे हुए थे, तो मैंने सोचा रोटी क्या बनानी, तो मैंने उनको फ्राई किया टमाटर और प्याज से। मैंने छोटा छोटा प्याज काटा हुआ है और प्याज और टमाटर के फ्राइड चावल काफ़ी ज़्यादा यम्मी लगते हैं खाने में, और देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया, गैस को मैंने ऑन कर दिया है, और ये मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा। फिर मैं इसमें प्याज का तड़का लगा दूँगी और फिर मैं टमाटर को कट करके इसमें डालूंगी। और मेरा ऑयल मेरा गरम हो गया है और मैं हल्का प्याज ब्राउन करूंगी, और ये ब्राउन होने के बाद तब तक मैं यहाँ पर टमाटर को कट कर लेती हूँ। मैंने एक टमाटर लिया है छोटा सा, इसको मैं कट कर लूंगी। और मैं हमारा प्याज तब तक ब्राउन हुआ जा रहा है, और मैं इसमें एक मिर्ची भी कट करूंगी। थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाए फिर मैं इसमें एक मिर्ची कट करूंगी, और मिर्ची कट करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी हींग। और मुझे हल्दी नहीं डालनी है इसमें, थोड़ा सा मैंने हींग और जीरे का तड़का लगाया हुआ है बस, और मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है। फ्राइड चावलों में मुझे हल्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैंने मिर्ची को कट कर दिया है और इसको अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी हींग जीरा, और फिर मैं वो टमाटर डाल दूंगी जो मैंने कट किया हुआ है। इसे भी अच्छे से भुनने देंगे और हम इसमें डाल देंगे टमाटर।
अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, तब तक चलाएंगे तब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था और मैंने इसमें डाल दिया है अपना राइस, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले, जो बेसिक मसाले वही धनिया, गरम मसाला, नमक डालकर हम अच्छे से मिलाएंगे, और फिर हमारा फ्राइड राइस तैयार है। ऐसी सिंपल तरीके से मैंने बनाया था फ्राइड राइस, और कभी मैं आप लोगों के साथ फ्राइड राइस का वीडियो शेयर करूंगी, आप लोग कहें तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मसाले डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं ज़्यादा कहीं कम बिल्कुल ना रहे, और हमारे राइस फ्राइड हो चुके हैं। और अब हम इसमें इसको प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद फिर हम इसे निकालने के बाद हम इसको इंजॉय करेंगे। और यह मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे और मेरे वीडियो थोड़े से भी आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। और मैं मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉच।